हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हर साल डिग्रीज ले रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में, तो क्या इनकी वर्थ है या नहीं है, आया वो जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड उनका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ क्या कंपैरिजन है, ये चीज़ें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हर बंदे के जहन में रेज होते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जाना चाहता है, जो वहाँ पे फ़ी पे करके एक अच्छी एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहता है, तो उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ मैं शेख जैद हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स के हॉस्पिटल हैं और हॉस्टल्स हैं उनमें बैठा हूँ, और यहाँ पर 3 डॉक्टर्स में से 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हैं जो पीजी है यहाँ पे, और एक निश्तर का है। सो होपफुली स्टार्ट में ही आप लोग समझ सकते हैं कि सब कुछ बाद में इक्वल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बात कर लेते हैं हम कुछ सिनेरियोस की जो डेवलप होते हैं स्टार्ट में ही। देखिए, अब जो मेरिट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कैटेगोरिकली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मेरिट में टॉप में रहते हैं, 82-83 से उनका ऊपर ही होगा, और ये 88-89 से स्टार्ट होंगे ये साल। तो उनमें जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं इस वक्त, तो शालीमार को बहुत ज़्यादा एक नोटिस दी जा रही है, इसी तरह लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, डॉक्टर सईद है, आपके पास एफएमएच है, और बहुत सारे इसमें कॉलेजेस हैं जो मुल्तान में हैं, भावलपुर हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे हैं, और आप दूसरे प्रोविंसेस में भी कर सकते हैं, फेडरल में भी कर सकते हैं। आप जब ये डिग्री करेंगे, आप जब ये डिग्री लेकर आएंगे, तो आपको अनपेड हाउस जॉब मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर, अनपेड। ये एक ड्रॉबैक समझा जाता है, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर करियर, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। सो योर, और आपने इससे ज़्यादा पे किया हुआ है पिछले 5 सालों में, आपने ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ आप मेडिकल कॉलेज को दिया हुआ है, तो 50-55 हज़ार ना आना आपके लिए एक और साल के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड है जॉब्स का, जॉब्स में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एडहॉक में हो या जो रेगुलर एमओ है उनमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है उसमें ये है कि चूँकि गवर्नमेंट के इदारे इसमें आते हैं, तो आपको पेरेंट इंस्टीट्यूट ना होने का थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा, लेकिन आप अच्छी और थोड़ा सा ज़्यादा अरसा बी एच यू करके आप उनके इक्वल आ जाएंगे। इसी वजह से CIP के थ्रू ही मैंने काफ़ी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और एट फर्स्ट आपको नॉलेज वाइज फील नहीं होता कि कोई डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो थोड़ा पढ़ाई में आपको कॉन्शियस रखेंगे, आपको रगड़ा देंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितना बैकग्राउंड से नहीं आए होते, और उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता, वो खुद से पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ता वो और यानी सप्लियाँ लेता है या जो चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई टीचर या जो इंस्टीट्यूशन है वो आपकी केयर नहीं करता, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपकी केयर भी होती है, आपका इंस्टीट्यूशन आपके बारे में सोच भी रहा होता है कि हमारे इस बार, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का इशू होता है कि हमारे कितने बच्चे एवरी ईयर पास आउट, हमारा पासिंग रेशो क्या है, तो वो बाकी मेडिकल कॉलेजेस से कंपेयर करके इस तरह अपनी मार्केट बना रहे हैं, और ये मार्केट वैल्यू उनको फ्यूचर कैंडिडेट्स को हायर करने में और उनकी रैंकिंग ऊपर आने में मदद देती है। सो यू डोंट वरी अबाउट नॉलेज,
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको ये चीज़ें भर के मिलेगी एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक साइड बाय साइड टू द गवर्नमेंट डॉक्टर। हाँ, आप जितना निचले मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी लोअर और आप भी डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये तो नेचुरल है कि फिर आपको कंपटीशन में थोड़ा टफ टाइम मिलेगा। लेकिन आपको एक लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, तो आप के लिए जो बेस्ट है वो प्राइवेट क्लिनिक, और आप बहुत ज़्यादा इससे अर्न कर रहे होते हैं, इसमें अर्निंग का बिल्कुल इशू नहीं होता। एंड इस हवाले से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाने ना या ना जाने के हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो डू मेंशन इन योर कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो उनकी एक अलग से वीडियो भी क्वेश्चन की बनाई जा सकती है। तो अगर किसी तरह की कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है देन डू आल्सो कमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका मेरिट भी डिस्कस करेंगे और इनकी प्रेडिक्शन भी डिस्कस करेंगे।